साल खत्म होने से एक महीना पहले ही देश का वित्तीय घाटा साल भर के लक्ष्य के 134.2% तक पहुंच चुका है। डायरेक्ट टैक्स और कम जीएसटी कलेक्शन ने सरकार पर वित्तीय घाटे का भार बढ़ा दिया है। फरवरी तक भारत का व्यापार घाटा साल भर के लक्ष्य का 134.2% तक पहुंच गया। वित्तीय घाटे में इस बढ़त के पीछे टैक्स के कम कलेक्शन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक फरवरी तक देश का व्यापार घाटा 8,51,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि रिवाइज टारगेट 6,34,000 करोड़ रुपए था। बावजूद इसके इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी SC गर्ग का मानना है कि वो साल के अंत तक वित्तीय घाटे का 3.4% का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। फरवरी के अंत तक सरकारी रेवेन्यू रिसीव्स 12,65,000 करोड़ रुपए के थे, जो कि रिवाइज टारगेट का 73.2% था। एक साल पहले इसी दौरान लक्ष्य का 78.2% रेवेन्यू जमा हो गया था। सरकारी टैक्स राजस्व 10,94,000 करोड़ रुपए है तो गैर टैक्स राजस्व 1,70,000 करोड़ रुपए है। फरवरी तक सरकार का कुल खर्च 21,88,000 करोड़ रुपए रहा, जो कि साल भर के लक्ष्य का 89.08% है। इस बीच इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ने वित्त वर्ष 2020 के पहले आधे साल में 4,42,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की घोषणा भी कर दी है। जीएसटी कलेक्शन के लगातार लक्ष्य से नीचे रहने के बाद सरकार का कहना था कि साल के अंत तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अपने लक्ष्य से काफी ऊपर होगा, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स की कमी की खाना पूर्ति भी कर देगा। पर अब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के भी बुरे हाल से परेशान होकर खुद CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने चीफ टैक्स कमिश्नर को पत्र लिखा है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आई गिरावट का जिक्र किया गया है। अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों के लक्ष्य के कम होने से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा है, जिसका सीधा असर वित्तीय घाटे पर भी दिख रहा है। जीएसटी कलेक्शन के लगातार लक्ष्य से कम होने के बाद सरकार का कहना था कि साल के अंत तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आई कमी की भी खाना पूर्ति कर देगा। पर अब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के भी बुरे हाल के बाद अब खुद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने चीफ टैक्स कमिश्नर को पत्र लिखा है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बुरे हाल का जिक्र किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों के कलेक्शन में आई इस कमी का सीधा खामियाजा सरकारी राजस्व पर पड़ा है, जिसके कारण फरवरी तक यानी वित्त वर्ष खत्म होने के एक महीने पहले तक ही पूरे साल का जो टारगेट था फिस्कल डेफिसिट का, वो 134.2% तक पहुंच चुका है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।